आप सभी बच्चों का लाइव क्लास में मैं एसके सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली में सर्दी का प्रकोप थोड़ा बढ़ गया है तो मैंने भी कैप लगा ली है और आप सब लोग कैप लगा लें। सर्दी बहुत है तो बच के रहिए। पिछले दो दिनों से भीषण सर्दी है और सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना है। आइए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों का आज की लाइव क्लास में मैं एसके सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं यहां पर देख सकता हूं कि हम लोग यहां पर आ चुके हैं और ये लाइव सेशन शुरू हो गया है। गुड इवनिंग शैलेंद्र जी, अभिषेक सिंह राजपूत और अन्य सभी बच्चे जो भी यहां पर ग्रुप में उपस्थित हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज जो है हमारा टॉपिक है वह है साइंटिफिक इन्वेंशन का टॉपिक है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं। हम देख सकते हैं कि एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ जो है सब वैज्ञानिक आविष्कार है। इसमें हम लोग आज कुछ आविष्कारों पर बात करने वाले हैं, कुछ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं और सभी बच्चे लाइव फटाफट आ जाएं और चीज़ों को शुरू किया जाए। और इस पर बहुत प्यारा है तो आपको आज जो है आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी, सब फैक्चुअल है। तो एक एक करके आप जो है इस प्रश्न का जवाब देते रहिएगा और कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा उसका भी जवाब आप देते रहिएगा। तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत। मेरा नंबर आप सभी के पास 9999 5657 99, हमेशा आपके सहयोग के लिए समर्पित। और इस नंबर के थ्रू आप जुड़ के हमसे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको PDF और अन्य सामग्री और मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएगी। यह क्लास किरण लर्निंग प्रकाशन की तरफ से KLA द्वारा प्रसारित किया जा रहा है और मैं एसके सिंह आप सबके बीच। यह क्लास NTPC ग्रुप डी के लिए समर्पित है और इसी क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमने अब आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 16 है, जिस पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। और इसी क्रम में बच्चों हम लोग जो है टेस्ट नंबर 16 और अब कुल 4 टेस्ट इसमें बचे हुए हैं, 4 साइंस का बचा है और 4 मैथ का, मतलब 1 वीक की क्लास और आपकी है। तो आप सब इस क्लास का आनंद लें। चलिए बच्चों, वैज्ञानिक उपकरण पर बात करेंगे, एक एक प्रश्न पर बड़े ठीक से बात करते हुए। पहला एक प्रश्न है, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंपी तरंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भूकंप आता है तो वेव्स होती है, वेव्स का मतलब हलचल होती है, उन तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, उन भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। और इस बार का यह गेस क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपसे पूछता हूं फिर दोबारा से भी पूछूंगा। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं बैरोग्राफ पर, हाइड्रोग्राफ पर, पेंटोग्राफ पर, सिस्मोग्राफ पर। जवाब तुरंत मेरे को चाहिए, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। और मैं यहां से आपको लाइव मोबाइल पर अपने देख सकता हूं, ठीक है, कि भूकंपी तरंगे किस पर रिकॉर्ड की जाती हैं। और इसका सही जवाब जो है मेरे पास है सिस्मोग्राफ। सही जवाब ठीक है, सिस्मोग्राफ। कंपाउंड इंटरेस्ट का लिंक, सर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर कहाँ से आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट का लिंक चाहिए तो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहां से मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। शैलेंद्र प्रजापति एकदम आराम से आपको मिलेगा, कंपाउंड का भी मिलेगा, जो भी लिंक आपको चाहिए सब हमारे पास है, हम आपको भेज देंगे। क्लास के बाद व्हाट्सएप पर मैं आपको संपर्क करूंगा 9-10 बजे के बाद। अच्छा हाँ, अगर SSC और बैंक की तैयारी कर रहे हैं बच्चे तो आपके लिए जो है बहुत सही, आपने पूछा है कि अगर SSC और बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो मैथ की जो क्लास चल रही है वो भी आपके लिए फ्रूटफुल है, और जो ये बैंक, ये जो साइंस की क्लास चल रही है ये भी फ्रूटफुल है। लेकिन आपने कहा कि हम लोग कहाँ जाएँ, तो देखो नॉलेज कभी बेकार नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि ये जितने भी एग्जाम्स हैं दे आर द कॉमन एग्जाम, बट कुछ एग्जाम्स को फोकस करके पढ़ाया जाता है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह की चीज़ें आ जाएँ। बट आपके लिए भी समान रूप से यह लाभदायी है और इसके लिए आप और भी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न इन्होंने कहा कि सर अगर मान लीजिए आप NTPC और ग्रुप डी की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएं, हम तो SSC की तैयारी कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। बट मैंने कहा कि अभी 26 को एग्जाम है इन बच्चों का, 28 से, तो उनको लिए टारगेट करके बैच चल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे साथ हैं आराध्या बत्रा, जिनको मैंने ये बोला है, और सभी बच्चों ने लगातार इसका जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि अब इसका आंसर अवधेश कुमार, शैलेंद्र प्रजापति, आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अंकुल जी हमारे साथ में हैं, शैलेंद्र प्रजापति हमारे साथ में, अभिषेक सिंह राजपूत हमारे साथ में, जो भी बच्चे हैं मैं इन सबको देख पा रहा हूँ यहाँ से। सही जवाब है बच्चों, भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड जो है वह बैरोग्राफ पे नहीं होता है, वह होता है सिस्मोग्राफ पर। एकदम सही जवाब, इसका ऑप्शन सी या थर्ड आप कह सकते हैं। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तरंगों का पता कर सकते हैं और इसके लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। यह हमारा पहला प्रश्न था, एकदम सही जवाब। अब बच्चों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखें।
और क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं भाई। हाँ सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ पर बिल्कुल जो है सही बता रहे हैं आप। और इन्होंने बताया कि इस सिस्मोग्राफ की खोज जो है वह जॉन मिल ने की है। बहुत अच्छा तैयारी करके आ जाए हैं अभिषेक सिंह राजपूत और ये लगातार बहुत मेहनत करते हैं। और मैथ का बैच बच्चे जो है कल मिलेगा आपको, कल जो है शाम को 6 बजे और दोपहर में 3:30 से 5 के बीच का टाइमिंग होता है, उसमें आप मैथ की क्लास देख सकते हैं। और आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे जो है आप एक बार मैसेज छोड़ दीजिएगा, व्हाट्सएप वीडियो के शुरू में दिया गया है नंबर 9999956579, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले प्रश्न का जवाब आपको देना है। और अगला प्रश्न है कि साम्य प्रकार, साम्य प्रकार का उपकरण क्या है, ये हमारा प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं। हमारा प्रश्न है साम्य प्रकार, हमारा प्रश्न है साम्य प्रकार का उपकरण है, ये आपसे मैंने पूछा है और आप इसको बताएं कि साम्य प्रकार क्या होता है। और हमने ये पूछा कि इसका उपकरण क्या है, इसका उपकरण क्या है, और देख रहा हूं कि जो है इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, हाँ लगातार आप इसका आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक डायल गेज, एक भार सेल, एक फोटोग्राफिक कैमरा और एक एक थर्मामीटर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जवाब आप मुझे देना चाहते हैं। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब बताइए। एक साम्य प्रकार, साम्य प्रकार का, साम्य प्रकार का एक सामीप्य, एक सामीप्य प्रकार का, एक सामीप्य प्रकार का, सामीप्य प्रकार का, एक सामीप्य प्रकार का एग्जाम्पल जो होता है वह होता है एक फोटोग्राफी कैमरा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एक फोटोग्राफी कैमरा। जिस कैमरे से हम फोटो खींचते हैं इसको हम बोलते हैं। आज के समय में हर एक मोबाइल में आप देखेंगे, जितने भी एंड्रॉयड फोन आ रहे हैं सब में आप देखेंगे कि कैमरा लगा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यही हमने पूछा है कि एक साम्य प्रकार का एग्जाम्पल क्या है, और आपने बताया है कि इसका जो एग्जाम्पल है वह जो है एक फोटोग्राफी कैमरा है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और यह प्रश्न हो चुका है एक बहुत प्यारा सा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है, ऊंचाई नापने के लिए किसका उपयोग होता है, एक प्यारा सा प्रश्न, इसका जवाब दें। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, इस प्रश्न का जवाब मेरे सामने आप लोग दे रहे हैं और मैं यहां पर देख सकता हूं जो जो बच्चे जवाब दे रहे हैं। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन है बैरोमीटर का, दूसरा है प्लानीमीटर का, तीसरा ऑप्शन आपके पास है अल्टीमीटर का, और चौथा है आपके पास हाइड्रोमीटर का। एकदम सही जवाब आप दे रहे हैं, इसका जवाब है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से, अल्टीमीटर से हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमीटर का उपयोग हम ऊंचाई के लिए कर सकते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग दाब के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखना। हाइग्रोमीटर जो होता है आइड्रा, हाइड्रोमीटर जो होता है आद्रक, आद्रता के लिए होता है। यहां पर प्रश्न पूछा गया किसका उपयोग जो होता है वह ऊंचाई नापने के लिए होता है, इसका जवाब है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का उपयोग हम ऊंचाई नापने के लिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और इस प्रश्न का जवाब तुरंत बता दो, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या होता है, तुरंत बताओ इस प्रश्न का जवाब। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं, एकदम रट लो, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप मैच करके बताइए तभी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हमारे साथ हैं शैलेंद्र प्रजापति जी, कीर्ति वर्मा जी, कविता जी, सभी बच्चे हैं, आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, गुड इवनिंग है सभी लोगों को, अवधेश कुमार जी, अभिषेक सिंह राजपूत जी। ठीक है, और आप जो है बता सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब आपके सामने है और आपने बता भी दिया है, बहुत अच्छा। देखो सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, मिलाना है। अब देखो जो तुमको पता है उसको मैच कराओ, अपने आप मिल जाएगा। जैसे देखो क्या क्या इसमें बता सकते हो, सबसे पहला चीज तुम जो सबसे आसान है वो देखो। जैसे अभी तक तुम्हें मैं बता रहा था कि सिस्मोमीटर जो होता है, सिस्मोमीटर का उपयोग कहां करते हो, तुमने कहा भूकंप की तीव्रता नापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
अब मैं पूछता हूं कि लैक्टोमीटर आपने सुना होगा, लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर देखो बहुत ऐसे ही होता है, एक यंत्र होता है, अगर आप लोग देखेंगे जो दूधिया होते हैं उनके पास इस तरह का एक ना मीटर होता है, लेकिन यह मीटर वो दूध देते समय यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पर नीचे से यहाँ पर एक ब्लैक कलर का इसमें वो होता है, और यहाँ पर ना यहाँ पे पाठ्यांक होता है, इस पाठ्यांक से वो देख लेते हैं, इसको दूध में डालते हैं और इससे ये पता कर लेते हैं कि दूध की शुद्धता कितना है, शुद्धता का मतलब उसमें कितना जल मिलाया गया है, ये यहाँ से वो देख पाते हैं। लैक्टोमीटर अगर 25 26 के ऊपर है, 27 28 29 30 31 ऐसा है तो दूध की शुद्धता ठीक है, अगर लैक्टोमीटर 25 26 से कम है तो इसका मतलब दूध में निश्चित रूप से पानी मिलाया गया है, तो वो पता कर लेते हैं, लेकिन देते समय कभी भी वो लैक्टोमीटर नहीं रखते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर आपके पास ज्यादा महंगा नहीं आता, आप लैक्टोमीटर ले भी सकते हैं। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है, लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है दूध की शुद्धता के लिए, सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है भूकंपी तरंगों की तीव्रता के लिए। चलो एक और बता देता हूं, बैरोमीटर का भी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायु दाब के लिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो वायुमंडल का दाब होता है, इसके लिए हम जो होता है जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर। अब बैरोमीटर हो गया, और बचा कौन सा? फोटोमीटर। फोटोमीटर कौन सा हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। तो इस तरह से अगर आपको दो तीन पता है तो भी आप बता सकते हैं। अब देखो सबसे पहली बात, जैसे हमने ये कहा कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन जरा कूट मिलाओ कौन सा कूट हो सकता है। तो अब देखो पहले का हमारा कौन सा आंसर आया? थर्ड। अब पहले का थर्ड आप देखना, पहले का हमारा थर्ड है, और आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पहले का थर्ड यहां पर दो लोगों में है, पहले का थर्ड दो लोगों में है, और आप देखेंगे दूसरे का लेक्टोमीटर का हमारा पहला आया है, तो निश्चित रूप से यहीं से हम बाय ऑप्शन बता सकते हैं कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 3842। यहां से आप देख सकते हैं, अगर सिस्मोग्राफ की बात की जाए तो इसका फोर्थ आ जाएगा, और बैरोमीटर की बात की जाए तो दो आ जाएगा, तो हम ऑप्शन थर्ड पे ट्रिक कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सही जवाब बता रहे हैं। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए यूज किया जाता है, एकदम सही बात बता रहे हैं। और ये 5.1 क्या आ गया, क्या है भाई? कविता जी क्या कहना चाहती हैं आप? 5.1। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा पहले का वन नहीं है बच्चे, ये पांचवें क्वेश्चन का वन नहीं है, पांचवें क्वेश्चन का थर्ड होगा, हाँ ये बता चुके हैं। अब है हाइग्रोमीटर, अभी बताए थे हाइग्रोमीटर का जिक्र हुआ है आज क्लास में, मैंने एक लाइन में बोला था, बट अगर आपने सुना है तो इसका जवाब आप दीजिए। प्रश्न हमारा है कि हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो मैं आपको बताऊं हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो वायुमंडल में नमी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो नमी होता है जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, इस ह्यूमिडिटी को नापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर। तो यहां पर आप कह सकते हैं आर्द्रता, या इसको सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस प्रश्न का जवाब आपको बता चुका हूं, फिर भी यहां पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। प्रश्न मेरा यह है, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, मैं आपको बता दूं कि इसका आविष्कार बैरोमीटर से इसको नापा जाता है, और इसका आविष्कार टेरोसली ने किया था, या इसको हम टेरोसोली भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो ये जो वायुमंडलीय दाब है इसको हम मेजर करने के लिए, वायुमंडलीय दाब को जो है हम मेजर करते हैं, वायुमंडलीय दाब के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर के बारे में जानिए, बैरोमीटर में दो तीन चीजें बताता हूं। पहला पॉइंट मैं बताता हूं कि देखो जब बैरोमीटर जो होता है उसका जो रीडिंग होता है ना, अगर रीडिंग एकदम से गिर जाए, मतलब एकदम से रीडिंग नीचे आ जाए, तो ध्यान रखना अब मौसम में क्या आएगा, तूफानी मौसम आने वाला है। अब दूसरा पॉइंट सुनो, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब गिर तो रहा है, एक बैग नहीं गिरा, धीरे धीरे गिर रहा है, तो वर्षा होने की संभावना है। और तीसरा सुन लो, अगर बैरोमीटर का तापमान धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो मौसम साफ होने की संभावना है। तो बैरोमीटर से हम यहाँ पर वायुमंडलीय प्रेशर और वायुमंडलीय दाब के बारे में हम पता कर सकते हैं। आप सोचो ये जो प्रेशर है आधी आएगी, इसको भगा के लेके जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो इसी तरह से हम बैरोमीटर से क्या करते हैं बताओ, बैरोमीटर जो होता है इससे हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर, जो वायुमंडल का हमारे ऊपर दाब है, इस दाब का नापने के लिए हम क्या करते हैं बोलो, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सो ये बात मैंने आपको बताई बच्चे, ये आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, और तुरंत अगर गिर जाए तो आधी तूफान, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सही जवाब दिया बच्चे आपने, आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इस प्रश्न का जवाब तो बच्चा बच्चा के जबान पे आ गया होगा,
सेस्मोग्राफ ये है स्फेग्मोमैनोमीटर हाँ चिकित्सीय उपकरण है का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है। यह चार ऑप्शन है, अब देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन देता है। चार ऑप्शन, पहला है हार्मोन्स के लिए, दूसरा है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, तीसरा है आंत के कार्य के लिए और चौथा है रक्तचाप के लिए। ये मैंने आपके सामने प्रश्न दिया है और इसका जवाब आपको बताना है कि ये जो जो है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, क्या बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, और आपको पता होना चाहिए इससे हम क्या चीज नापते हैं, कौन सा प्रेशर मेजर किया जाता है, इससे कौन सा यह चिकित्सकीय उपकरण किस काम में आता है। एकदम सही जवाब बता रहे हो बच्चे, ब्लड प्रेशर, करेक्ट है। इससे हम करते हैं बीपी मेजरमेंट किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। सामान्यतः जो बीपी होता है वह 80 और 120 होता है। दो तरह के बीपी होते हैं, लो बीपी हाई बीपी, ये हर बॉडी में पाया जाएगा 80-120 मेल के लिए। फीमेल के लिए इसमें 10 पॉइंट कम होता है, मतलब उनका होगा 70 और 110 ये होना चाहिए। अगर यह पाठ्यांक आपका ऊपर या नीचे आ रहा है तो आपको डॉक्टरी परामर्श लेनी चाहिए। जैसे आप टेंशन लेते हैं, मान लीजिए आप बहुत तनाव ले लें, बहुत दबाव ले लें, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक नहीं है। ऐसे ही लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको घबराहट होने लगेगी, समझ रहे हैं। इसमें आप डॉक्टर बताते हैं कि आपको कॉफी पीना चाहिए, चाय पीना चाहिए, दवाई यूज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पर कोई आपको सुझाव नहीं दूंगा, बट मैं बस इतना कहूंगा कि यहाँ पर जो मैंने प्रश्न पूछा है इसका जवाब यही है कि ये जो स्फेग्मोमैनोमीटर है यह किस काम में आता है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने काम आता है। और यहाँ पर मैंने दो बातें बताई, लो ब्लड प्रेशर 80-120 चलता है और फीमेल के लिए 10 पॉइंट कम होता है, मतलब उनका लो वाला कितना होगा ये ध्यान रखना 70 और हाई वाला 110। बहुत अच्छे। और हाँ पीएच वैल्यू बता रहे हैं खून का, अभी उसकी जरूरत नहीं है। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई को नापने के लिए इन चारों में से किसका प्रयोग करोगे बताओ। समुद्र की गहराई नापने के लिए फीट का प्रयोग करोगे, फैदम का प्रयोग करोगे, नॉटिकल का प्रयोग करोगे या गोल का प्रयोग करोगे। हमारे सामने प्रश्न है, मैं देख पा रहा हूं जो जो बच्चे जो है इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, मैं उसका जवाब आपको बताने कोशिश कर रहा हूं। हमारा प्रश्न आपके सामने है, यह क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि ये फैदोमीटर क्या करता है, फैदोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, ये नहीं, हम यहां से पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। और हमने ये पूछा है आपसे बच्चे कि समुद्र की गहराई सामान्यतः किससे मापी जाती है, यह हमारा प्रश्न आपके सामने है और इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं। प्रश्न हमारा है समुद्र की गहराई किससे नापते हैं, बोलो समुद्र की गहराई किससे नापते हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न है। मैं बताऊं समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए हम लोग फैदम का यूज करते हैं। फैदम फैदोमीटर से बना है, एक फैदोमीटर में 6 फीट होता है, लगभग एक आदमी की हाइट उतनी होती है, 6 फीट के आसपास होती है, 5, 5.5, 6 हाँ इतना ही समझ लो, इतना मान लो मैं 5.5 फीट का हूं, थोड़ा सा ये देखो इतना, ये देखो ये है मेरी जो हाइट है, ये मान के चलो कि एक फैदम है, फैदम, और यही जो फैदम होता है ये फैदोमीटर से बना है और इससे हम नापते हैं समुद्र की गहराई। सही जवाब, तो इसका जवाब हो जाएगा बच्चे समुद्र की गहराई नापने के लिए, ध्यान रखना समुद्र की गहराई नापने के लिए, इस बात को ध्यान रखना समुद्र की गहराई मतलब डीपनेस नापने के लिए फैदम का प्रयोग किया जाता है। नॉटिकल जो होता है, नॉटिकल मील शब्द यूज किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे नॉटिकल मील, एक समुद्र की जो दूरी होती है ना उसको नापने के लिए, समुद्री दूरी को नापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा नॉटिकल शब्द जो है वह हॉरिजॉन्टल दूरी के लिए यूज किया जाता है और फैदम जो है वह आप देखेंगे वर्टिकल दूरी यानी गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए फिर से, मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति नापने के लिए किया जाता है। मैक मोहन रेखा किस देश के बीच में है, भारत और चाइना। मैक मोहन रेखा की बात नहीं कर रहा हूं, मैक एक संख्या है, यहां पर कहा गया मैक, MACH, मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। हमारा प्रश्न आपके साथ ये है, आपको बताना है कि मैक शब्द से हम किसकी गति मेजर करते हैं, ध्वनि की करते हैं, वायु की करते हैं, जहाज की करते हैं, हवाई जहाज की करते हैं। जहाज का मतलब यहां पर पानी की जहाज और हवाई जहाज का मतलब एरोप्लेन, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं।
स्वाति सिंह, अभिषेक सिंह राजपूत, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। सुरेंद्र प्रजापति, अभिषेक सिंह राजपूत और सभी बच्चे जो लगातार क्लास में बने हैं, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सभी बच्चों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सही जवाब एरोप्लेन, एकदम सही जवाब। मैक जो होता है बच्चे, इससे हम जो है एरोप्लेन की गति, एरोप्लेन की जो गति होती है इसको मेजर किया जाता है मैक में। इस बात को ध्यान रखना, मैक शब्द का प्रयोग किया जाता है एरोप्लेन की गति को मेजर करने के लिए। गुड, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भूकंप की तीव्रता तथा उससे उत्पादित तथा उत्पत्ति की रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र का नाम। जितने लोग सामने हैं अब तो शर्म करो, अब तो बता दो इस प्रश्न का जवाब। भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, बता दो ऑप्शन कौन सा होगा, बोलो जल्दी से बोलो। स्पाइगेनोमीटर, स्फेरोमीटर, सिस्मोग्राफ, सेक्सटेंट, बोलो कौन सा होगा, बोलो जल्दी से ऑप्शन एकदम टाइप कर दो। बी कैसे होगा भाई आलोक कुमार, हैं कैसे होगा बच्चे, जवाब दीजिए हमको फटाफट। अरे भाई फलेंद्र प्रजापति ने तो एरोप्लेन भी उड़ा दिया, गुड। अब आगे बढ़ो भाई, एरोप्लेन उड़ाते रहोगे क्या। इसका सही जवाब है सिस्मोग्राफ, सी ऑप्शन। विकास कुमार, क्यों मेरा नाक कटवाना चाहते हो, क्यों मेरा नाक कटवाना चाहते हो भाई, ऐसा मत करो। अरे अब पहला क्वेश्चन से लेके दो तीन बार जिक्र कर दिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, गेस प्रश्न, बार बार पूछे जाना प्रश्न है। इसका सही जवाब है सिस्मोग्राफ, एकदम सी ऑप्शन, सही बात है। स्वाति सिंह, विकास कुमार और जो है कविता जी, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया है। इसका थर्ड वाला आंसर है और ये थर्ड आंसर है सिस्मोग्राफ, एकदम सही और राइट आंसर है। इससे हम भूकंप की तीव्रता, भूकंप बहुत खतरनाक चीज है, आएगा तो पूरा नुकसान कर देगा, ये ध्यान रखना। और हम दिल्ली में हैं, दिल्ली भूकंप जोन में है, अगर हम खतरे में आए तो तुम्हारी क्लास का क्या होगा। भूकंप इस बात को ध्यान रखना बड़ा ही खतरनाक है। वैसे अभी दिल्ली में जोन में है, लेकिन दिल्ली से भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर बहुत सारी भूकंप की संभावनाएं बनी रहती हैं। और ये सोचो कि जो है जापान जैसा देश जो पूरा भूकंप देखो कितनी बार आता है और उन लोगों ने कितने मेहनती लोग होते हैं देश को कहां से पहुंचा दिया, समझो इस बात को। तो ये बात ध्यान रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी आपदा आ जाए, कितनी समस्या आ जाए, कितने लाइफ में मजबूरियां आ जाए, कितनी परेशानियां आ जाए, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ोगे और तुम कुछ बेहतर अपने जीवन का उपयोग करके जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। बस तुम सही दिशा में मेहनत करो। तो प्रश्न यहां पर आ गया, फैदोमीटर क्या है, अब तो बता दो। फैदम, फैदोमीटर, एक फैदम बता दिया, बराबर 6 फीट होता है। अब बताओ फैदोमीटर से क्या नापोगे, यही प्रश्न है। फैदोमीटर से क्या नापोगे, बोलो फैदोमीटर से क्या फायदा है, किस चीज की गहराई नापना है, कौन सी गहराई नापोगे फैदोमीटर से, समुद्र की गहराई, ऑप्शन सी। अब तो बोलो कौन सी होगा आंसर, जल्दी से बताओ। देखो लगातार बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा है तब भी आंसर नहीं बता पा रहे हो, एब्सोल्युटली गुड, एकदम लगे रहना है। बहुत अच्छे बच्चे, समुद्र की गहराई, बहुत सही जवाब। और सभी बच्चे लगातार इस प्रश्न का जवाब देते हुए क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच गए। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपके सामने एक बहुत प्यारा सा प्रश्न मैं देख पा रहा हूं। मेरे साथ स्वाति सिंह, कविता जी और संग्राम और शैलेंद्र प्रजापति, अभिषेक सिंह राजपूत और विकास कुमार और लगातार जो है बच्चे बने हुए हैं और इसका आंसर दे रहे हैं। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्या है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है छोटी दूरी मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए, धारा में उतार चढ़ाव मापने के लिए, दाब मापने के लिए। यह प्रश्न आपके सामने है और इसका जवाब आप मुझे देंगे। प्रश्न है मैनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं और इसका जवाब देखता हूं कि कौन सा बच्चा मुझे देने वाला है। और इसका जवाब है, ध्यान रखना, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, और इसका जवाब है हाँ बहुत सही, तुम लोग का बहुत अच्छा है, साइंस तो बड़ा अच्छा हो, तुम सारे साइंटिस्ट हो, ऑल ऑफ यू डेफिनेटली एनटीपीसी में तुम्हारा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, जबरदस्त जवाब है हमारे सामने। लगातार बच्चे मैं आपको बता दूं, जो गैस होता है, गैस गैस के दाब के लिए, गैस की दाब के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वह होता है मैनोमीटर। यह भी जानिए दाब मापने के लिए कौन सा दाब, जो गैस होती है उन गैस का जो प्रेशर होता है, गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दैट इज कॉल्ड द मैनोमीटर। एकदम राइट आंसर, सही जवाब है। देखिए मेरे साथ जो है कई सारे बच्चों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, मैं भी नाम लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अगले क्वेश्चन को आपके सामने शो कर देता हूं और फिर मैं सबका नाम लेता हूं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे साथ हैं विकास कुमार, लव यू ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। अभिषेक सिंह राजपूत, स्वाति सिंह, ठीक है। और हमारे साथ हैं बबलू कुमार,
अभिषेक सिंह राजपूत, स्वाति सिंह, इसके बाद हमारे साथ हैं संग्राम जो है, संग्राम जी हैं, और हमारे साथ ही सारे बच्चे जुड़ गए हैं, और सुरेंद्र प्रजापति, विकास कुमार, ये सारे बच्चे जो है लगातार आंसर दे रहे हैं, और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सभी बच्चों ने लगातार आंसर दिया है। हमारे साथ कविता जी हैं, हमारे साथ स्वाति सिंह हैं, हमारे साथ अभिषेक सिंह राजपूत हैं, विकास कुमार हैं, सुरेंद्र प्रजापति हैं, ये सारे बच्चे जो है लगातार आंसर दे रहे हैं, और आप इस बात को आप देखें। और अब आपके पास आ गया इस प्रश्न का जवाब भी आ गया। अगले प्रश्न का प्रश्न क्या था, निम्न में से मौसम की कौन सी दशा बैरोमीटर पढ़ने में अकस्मात गिरावट हो जाती है। फिर से बैरोमीटर, बताओ बैरोमीटर, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से गिर गया, हवा तूफानी है, हवा एकदम से तूफानी आएगी, इस बात को ध्यान रखना, पाठ्यांक एकदम से गिर गया तो क्या होगा, एकदम तूफान आने वाला है। पाठ्यांक धीरे धीरे गिर रहा है, बारिश होने वाली है, पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मौसम साफ होने वाला है, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है गिरावट से क्या सूचित होगा, निश्चित रूप से बताओ, तूफानी मौसम, शांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, गर्म एवं धूप वाला मौसम। सही जवाब, एकदम सही जवाब, आप लोगों ने एकदम मन को प्रसन्न कर दिया है, और इसका सही जवाब है तूफानी मौसम। तूफानी मौसम जब आएगा तो पाठ्यांक धड़ल्ले से गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, हवा की गति किसमें मापी जाती है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, हवा की गति को मेजर करने की बात की गई है। हमारे सामने जिन बच्चों ने आंसर दिया है, बबलू कुमार, संगम संगम जो है, विश्वाल और विकास कुमार, और शैलेंद्र प्रजापति, स्वाति सिंह, अभिषेक सिंह राजपूत, सारे बच्चों ने लगातार आंसर दिया है। अब यहां पर हमने पूछा है, हमारे सामने प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 हम आपके पास लेके आए हैं, और प्रश्न हमारा यह है कि हवा की गति जो है ये किससे मापी जाती है। चार ऑप्शन, एनीमोमीटर, टैकोमीटर, बैरोमीटर, भूकंप मान। चार ऑप्शन है, कौन सा हो सकता है। अच्छा, दो तो तुम्हें लग गया होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बैरोमीटर नहीं होगा, टैकोमीटर नहीं होगा, ये तो तुम काट दोगे। अब बचे एनीमोमीटर और भूकंप मान नहीं होता है। हवा की गति किससे नापते हैं, इस बात को ध्यान रखना, हवा की गति को नापते हैं एनीमोमीटर से। कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर। हवा की गति एनीमोमीटर से प्रयोग की जाती है, एकदम सही जवाब है। और इसके बाद बच्चों पहला वाला ही आंसर है, आप एकदम लगातार सही आंसर दे रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, आवेशित कण, त्वरक, चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटर, जो आवेशित कणों में उच्च ऊर्जा को त्वरित कर सकता है, ठीक है, को कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, पहला है क्रायोमीटर, दूसरा है कम्यूटेटर, तीसरा है मैग्नेटोमीटर, और चौथा है साइक्लोट्रॉन। ये चार ऑप्शन मैंने दिया है, और ये आपके सामने क्वेश्चन है, और अब इसका जवाब मैं देखता हूं कि कौन से बच्चे बता रहे हैं। और सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, बहुत सारा आपको शुभ प्यार आशीर्वाद। और हमारे साथ जो बच्चों ने आशीर्वाद दिया है, संग्राम विशल ने दिया है, विकास कुमार ने दिया है, कविता जी ने दिया है, और लगातार बबलू कुमार ने दिया है, अभिषेक सिंह राजपूत ने दिया है, सभी बच्चे, स्वाति कुमार ने दिया है, आप सभी बच्चों ने लगातार आंसर दिया है, और आप इस प्रश्न का जवाब दें। आइए बच्चे, हाँ प्लीज लाइक एंड शेयर जो है आप लोग करते रहें, बिल्कुल सही बात है बच्चे, जो है जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और सब जगह फैला दें, सब बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का लाभ हो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, ये क्लास लगातार आपके बीच में, मैं एसके सिंह। तो हमारा प्रश्न ये था कि आवेशित कण त्वरक, चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटर जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकता है को कहते हैं, बोलो भाई क्या कहते हैं, सही जवाब आप मुझे दीजिए। अब तक मुझे सही जवाब नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और आपके सामने एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं। सर्च प्रोजेक्ट, आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका जवाब है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र है, इस बात को ध्यान रखना, साइक्लोट्रॉन क्या है, अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र है। यही पूछा गया हमसे कि जो हमारे साथ आवेशित कण त्वरक है और उसको जो है उच्च ऊर्जा से त्वरित किया जा सकता है, उच्च ऊर्जा से त्वरित करना, आपने सुना होगा साइक्लोन से ये शब्द बना है, साइक्लोट्रॉन, तो इसको याद रखना बच्चे, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, विद्युत उपकरणों में वोल्टेज स्पाइक से बचने हेतु
निम्नलिखित में से किस उपकरण को डिजाइन किया जाता है? इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप देखते होंगे कि लाइट आती है, अगर कभी लाइट हाई या लो हो जाती है तो उस समय आप क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विद्युत उपकरणों में वोल्टेज स्पाइक से बचने हैं तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का को डिजाइन किया जाता है? पहला है वोल्टेज अनलोडर, दूसरा है सर्ज प्रोजेक्टर, तीसरा है हीट प्रोटेक्टर और चौथा है करंट अनलोडर। ये चार ऑप्शन हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको एक आंसर टाइप करना है और आप इसका जो है जवाब आप दे सकते हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आप इसका आंसर देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और सही जवाब आप बता रहे हैं। और मैं इसको आपको बता दूं कि एक शब्द है सर्च प्रोजेक्टर, जो आप ऑप्शन सेकंड देख सकते हैं, सर्च प्रोजेक्टर इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर्च सब प्रेशर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर्च डाइवर्टर बोलते हैं। यह एक उपकरण है। यह उपकरण क्या करता है, विद्युत उपकरण में वोल्टेज स्पाइक से इसको सुरक्षा प्रदान के निर्दिष्ट से इसको प्रयोग किया जाता है। सर्च प्रोजेक्टर सुरक्षित जो है, आप देखिएगा, जो हमारे पास थ्रेशोल्ड होता है से ऊपर किसी भी अवांछित वोल्टेज में अवरोध उत्पन्न करके या लघुकरण द्वारा विद्युतीय उपकरण को सप्लाई की गई वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम करता है या नियंत्रित करने का प्रयास करता है, यानी वोल्टेज को स्थिरता के लिए इस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। हमारा प्रश्न आपके सामने ये था कि विद्युत उपकरणों में वोल्टेज स्पाइक, आप समझिएगा, स्पाइक से बचने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाते हैं। मैंने बताया इसका नाम है, इसी को बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्टर, इस उपकरण को बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्टर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने पूरी बात आपको बता दी और अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के बाद एक अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा प्रश्न है और इस प्रश्न को आप मैं पढ़ देता हूं, आप तब तक मैं देखता हूं कि आपने क्या कहा। एकदम सही बात है, हाँ, इसी को फ्यूज भी कहते हैं, करें इसी को फ्यूज कहते हैं। और हाँ, संजय जो है, आपको भी नमस्कार, बहुत सारा नमस्कार भाई, हमारे बीच में संजय जी हैं। और क्या करें, इंग्लिश में टेक्स क्यों नहीं है? इंग्लिश में टेक्स बच्चे अभी इस बार तो नहीं है, इस बार तो सारा टेक्स हिंदी में है, लेकिन अगली बार हम कोशिश करेंगे कि बायलिंगुअल आएगा। दोपहर में जो हमारी मैथ की क्लास चलती है, जैसे आप देखेंगे जो 3:30 से हम लोग डेली देते हैं, उसको आप सर्च कर लीजिएगा तपस्या एकेडमी चैनल पर, मैथ की प्रतिदिन क्लास आती है, उसमें हमारा जो पीडीएफ आ रहा है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, उसका पीडीएफ आप तक हम भेजते भी हैं जो बच्चे हमारे से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे चीजों को बायलिंगुअल लाने का, निश्चित रूप से हम इस बात पर काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे। और आपके आ जाने से अब जिंदगी में उजाला हो गया है और तुम खुद अपने आप में, बच्चे एक बात ध्यान रखो, तुम अपने आप में ही एक सूर्य हो, हर एक बच्चा अपने आप में एक स्टार है। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि उस ऊर्जा को आप पहचान लो, समझिएगा। देखिए, बुद्ध ने उसको पहचाना तो आप देखिएगा कि बुद्ध ने उस चीज को क्या किया, सर्वत्र फैला दिया। ऐसे आप हर के अंदर एक एनर्जी छुपी हुई है, जो उसको पहचान ले, इतना एनर्जी है कि आप मतलब अब इसको मैं क्या बताऊं, तो अनंत तक एनर्जी है और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़े एनर्जी के सोर्स हैं। और बस मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं, मेरा उपयोग इतना है, समझो कि मैं एक माचिस की तीली की तरह हूं और तुम बारूद हो, मैं तुम्हारे अंदर बस वह तीली का काम करना चाहता हूं, बारूद तो तुम खुद हो, सफलता तुम खुद लेके आओगे और इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। बस स्पार्क हो जाओ, लग जाओ यार, कुछ भी नहीं है, जो चीज समझ में आती है वो समझने के लिए समझ डालो, जो चीज जो है नहीं समझ में आती उसको रट डालो, थोड़ा मेहनत करके जाओ। देखो एग्जाम का ट्रेंड क्या है, कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या पढ़ के जाना है, यही छोटा मोटा एग्जाम होता है, यूं निकल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हारे लिए सब छोटे मोटे एग्जाम कौन सी बड़ी बात की है, यूं जब तक नहीं निकला है ना, तब तक लगता है एकदम इसको छोटा समझो, अपने आप को एकदम बड़ा रखो, देखते हैं क्यों नहीं सिलेक्शन होता है, डेफिनेटली होगा। सभी बच्चों का प्यार और बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और बच्चे जो है,
हम आपके साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा आपके साथ में है, 24 आवर्स हम आपके साथ में एक तरह से होते हैं, यहाँ पे नहीं तो व्हाट्सएप पर हैं और लगातार आपके बीच में हैं, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लाइव बात कर पा रहे हैं। मेहनत करना है, इस बात को ध्यान रखना, सक्सेस पर ना किसी का नाम लिखा ही नहीं होता, जो ज्यादा मेहनत करेगा ना कुर्सी उसी की वेट करती है, वही बंदा वहां पर जाके बैठेगा, वह हर फील्ड में जो है उपयोगी है। हमारे लिए भी समान रूप से आपके लिए भी मेहनत करना है, और तो कोई विकल्प ही नहीं है, केवल और बेहतर और बेहतर और बेहतर की तरफ में बढ़ना है और सबको जो है आगे और बेहतर के लिए प्रयास करना है, निश्चित रूप से सब अच्छा होता है। तो कीप इट अप, लग जाओ बच्चों। खैर, हम इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसरो द्वारा संचार उपग्रह जी सैट 19 के सफल परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था। अब यह साइंस एंड टेक का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है और इसका आप अब जवाब दे दो बच्चे। थैंक यू सो मच और आप सभी को लव यू बच्चों, बहुत बहुत हाँ, वर्क इज की आप सक्सेस, बिल्कुल अब सेक सिंह एकदम लग जाना है बच्चे। और अब चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइए फटाफट कि मैं आपको ये प्रश्न आपके सामने में रखा है और मेरा प्रश्न ये है कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने मैं प्रश्न लेके आया हूं कि इसरो के द्वारा संचार उपग्रह जी सैट 19 के सफल परीक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है, किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है, यह प्रश्न हमारा है और इसका सही जवाब मैं आपको बता रहा हूं। इसका सही जवाब है जीएसएलवी MK3D1। इस बात को ध्यान रखिएगा, जीएस अच्छा ये सब फैक्ट है, अब इसको याद ही करना पड़ेगा और तो कुछ है नहीं। प्रक्षेपण यान का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक प्रक्षेपण यान होता है जो इसको ले जाकर के वहां पर छोड़ेगा, इसका नाम आपको याद करना था, कौन सा प्रक्षेपण यान था, जी सैट 19 और इसको किसने छोड़ा, जीएसएलवी MK3D1। तो इसको आप याद कर लें। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, मोटर गाड़ी में ऑडोमीटर क्या मापता है। मोटर गाड़ी मतलब कार के अंदर होती है एक मीटर जिसको बोलते हैं ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या चीज मेजर करता है, यह प्रश्न हमारे सामने है। चार ऑप्शन है, ईंधन को मेजर करता है, गाड़ी की चाल को मेजर करता है, दूरी को मेजर करता है, गंध यानी स्मेल जो हो रही है उसको मेजर करता है। चार ऑप्शन है, जरा इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरा प्रश्न है कि मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, और अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न का जवाब दें। एकदम सही जवाब है, हमारे साथ हैं सुगांती सिंह, आपका जवाब सही है बच्चे, आपने एकदम सही बताया है। विकास कुमार हमारे साथ हैं, एकदम सही जवाब है। संजय हमारे साथ में हैं, संजय लवानिया हमारे साथ में हैं, विकास कुमार हैं, स्वाति सिंह हमारे साथ में हैं और हमारे साथ अभिषेक सिंह राजपूत हैं, नीरज कुमार हैं, एकदम सही जवाब आपने सही बताया है। यह जो होता है दूरी को मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑडोमीटर का संबंध जो है वह दूरी से होता है, इस बात को ध्यान रखना, यह दूरी डिस्टेंस को मेजर करता है, किस चाल से जा रहे हैं नहीं जा रहे उससे नहीं मतलब है, कितना चला पहिया कितना चला इससे मतलब है, घुमा कितना, यह दूरी को मेजर करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है किसी गाड़ी को देख करके कि उसमें हम मीटर देख लेते हैं कि हाँ यह गाड़ी जब हम खरीदने जाते हैं, कोई सेकंड हैंड मान लीजिए आपको कोई गाड़ी खरीदनी पड़ गई तो आप देख लेते हैं कि गाड़ी कितनी चली हुई, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां पर हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 19 और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते साइंस के आखिरी क्वेश्चन आज पर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इस पर हम आपसे बात करने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने हमने दे दिया है बच्चे, निम्नलिखित में से किस स्थान से इसरो एक मिशन में 31 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 31 सैटेलाइट 31 उपग्रह लॉन्च किए गए और प्रश्न पूछा गया है, बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से इसरो एक मिशन में 31 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शन दे रहा हूं, पहला अहमदाबाद, दूसरा भोपाल, तीसरा श्रीहरिकोटा और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। और आपका जो है समय शुरू होता है अब टाइप करके मुझे बता दो। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था और आप इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, बहुत सही जवाब आप दे रहे हैं और मैं आपको यहां पर पूछ रहा हूं कि इसका आंसर कौन सा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसरो ने अपने प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, जनवरी 2018, ध्यान रखिएगा अभी कौन सा चल रहा है 2020, जनवरी 2018 में पीएसएलवी 40 के माध्यम से 30
वन यानी मतलब 31 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया गया, इस बात को ध्यान रखना। जिससे हमने इसको भेजा वह था पीएसएलवी सी फोर्टी के द्वारा हमने इसको भेजा था। और अभी और एक बात बता देता हूं आपको साथ के साथ में, तो इसलिए आपके इस प्रश्न का जो जवाब है बच्चे वह क्या होगा, बोलो अब तो बता दो। इस प्रश्न का जो जवाब है वह आपको दिखाई देना चाहिए। और एक इसमें बात बता दूं आपको, अभी हाल में ही पीएसएलवी सी44 के द्वारा 24 जनवरी 2019, आप देख सकते हैं पिछले साल की बात हो रही है, माइक्रोसेट आर तथा क्लासमेट V2 का प्रक्षेपण भी किया गया है। और मैं आपको बता दूं क्लासमेट जो है वह विश्व का, इस बात को याद रखना, इसलिए मैंने बताया क्योंकि अभी 2019 में छोड़ा गया था, और जो क्लासमेट है वह पूरे विश्व का सबसे हल्का का मतलब लाइट वेट सबसे हल्का क्या है, उपग्रह है। तो इस बात को ध्यान रखना, एक ये भी फैक्ट आप याद रखना, और ये मैंने आपको बताया और आप सही बता रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है श्री हरिकोटा। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमने 31 जो है उपग्रहों को लॉन्च किया, हमने आपको बता दिया कि किससे हमने लॉन्च किया था, PSLV C40 हमने बताया आपको कि जिस चीज से हमने लॉन्च किया था और जिससे हमने इसको ऊपर पहुंचाया वह था PSLV C40। इसमें हमने 31 सैटेलाइट को एक साथ स्थापित किया था, लेकिन यह कहां है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी और आपने इसको बहुत ध्यान से समझा। प्यारे बच्चों आप लोग लगातार क्लास का लाभ ले रहे हैं, यह NTPC ग्रुप डी का क्लास था, प्रतिदिन क्लास चलती है लगातार, इसमें आपको हमने प्रश्न और क्वेश्चन दिया है। आज हम लोग बात करते करते 16 लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, इससे पहले के 15 वीडियो सब आपको देखेंगे इसी चैनल पर उपलब्ध हैं और आप इसको पीछे से भी देख सकते हैं। और ये प्रतिदिन क्लास होती है, अल्टरनेट पर क्लास होती है, आज होगी, अब कल मैथ की है, परसों फिर साइंस की होगी, ऐसे चल रही है। इस क्लास का प्रोग्राम 26 तक है, तो सभी बच्चे इस चीज को फॉलो अप करें। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक मैथ की स्पेशल क्लास चल रही है जिसको मैं खुद ले रहा हूं, 3:30 बजे से क्लास चलती है लाइव, उसमें आप लाइव आके देख सकते हैं या रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं। और वहां पे जो है आप देख सकते हैं 3:30 से चलती है मैथ की स्पेशल क्लास, बड़े आराम से तसल्ली से वहां पर फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ा रहे हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहें और मैथ में इंजॉय करना चाहें तो उसमें वह लाभ ले सकते हैं। PDF के लिए मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर हमारा आपके पास है तो वहां से मैं आपको दे दूंगा, तो वो भी क्लास आप ले सकते हैं। वह तपस्या अकेडमी चैनल से, तपस्या अकेडमी एसके सिंह करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको जो है और अपने बच्चों में ग्रुप में बांट दीजिए। और यहां पर आप NTPC ग्रुप डी के लिए लगातार आप क्लास ले रहे हैं, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, सारी वीडियो को अच्छे से देखो और जो है अच्छे-अच्छे कमेंट करो ताकि हमें पता रहे कि आप मतलब जो भी आपको लग रहा है उसका सही कमेंट करो। अच्छे कमेंट का मतलब होता है सही कमेंट करना और अपनी बातों को हमारे तक पहुंचाइए। तो आज बच्चों अब अपने जो है बड़े भाई, अपने शिक्षक, अपने मित्र को अब अनुमति दीजिए और मिलते हैं फिर। हम लोग समय का सदुपयोग करना है, कम समय में ज्यादा बातों को सीखना है, खुद मोटिवेट रहिए, खुद पढ़िए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा मेहनत करके एक बार मेहनत करना शुरू करो फिर अपने आप हैबिट बन जाएगी और आप बहुत अच्छा कर जाओगे बच्चे। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं शुरू से जो बच्चे जुड़े हैं लगातार उनके प्रश्न आंसर क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह से आप मेहनत करिए। पूरा सहयोग आपके साथ में है, पूरा सपोर्ट आपके साथ में है, हमारा सहयोग आखिरी सांस तक आप सभी बच्चों के लिए समर्पित है। तो लगे रहिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप 9999956 57 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम वहां से आपको रिप्लाई कर ही देते हैं। तो बच्चों आज जो है मुझे यहीं पर आप लोग अनुमति दीजिए और कहीं से भी रहिए, चाहे आप बिहार से रहिए, आंध्र प्रदेश से रहिए, उड़ीसा से रहिए, महाराष्ट्र रहिए, भारत से बाहर से भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रहिए, आपको जो पूछना पढ़ना है आप हमसे जुड़ के आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो बच्चों अब अनुमति दे दीजिए, बहुत सारा प्यार आपसे बच्चों को, थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।